अस्सलाम वालेकुम गाइस, चैप्टर 4 लेक्चर 6, ठीक है। और आज हमने जो स्टार्टिंग करनी है वो क्वेश्चन नंबर 6 और थर्ड पार्ट है, जो कि यहाँ पर मैं मेंशन कर चुका हुआ हूँ, ठीक है। अब इस सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी एज इट इज़। डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लाई के साइन में हम कन्वर्ट करते हैं तो हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, 1 ऊपर शिफ्ट, ऊपर वाला जो फैक्टर है वो नीचे शिफ्ट। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऊपर वाला फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडरस्टूड है एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 वो एज इट इज़। और नीचे जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, नीचे वाले फैक्टर से, मीन के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम यूँ लिखेंगे। ये एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 अब डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ जो कि आसान है और हमने पहले किया भी हुआ है। वो फार्मूला मैं बिल्कुल टॉप पर यहाँ पे लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। बेशक आप लोग चेक कर लें, ये कंडीशन बिल्कुल वैसी नहीं बनती। एक्स स्क्वेयर, ए की जगह एक्स स्क्वेयर है, बी की जगह वाई स्क्वेयर है, फिर ए का स्क्वेयर मीन कि एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर किया जाए तो पावर 4 आ जाती है, फिर प्लस ए बी मीन कि एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर मीन कि वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर किया जाए तो वाई की पावर 4। ये बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक ही इसे सॉल्व करते हैं। पहले फार्मूले की फॉर्म में मेंशन कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। और ये हमने लिख दिया ए का स्क्वेयर प्लस साइन, ये आ गया जी ए और बी, और उसके बाद है बी का स्क्वेयर मीन के वाई स्क्वेयर का होल का स्क्वेयर, ठीक हो गया गाइस। अब यहाँ पर एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, और अब ये चीज़ देखें, जब मैंने यहाँ पर ये वाला फार्मूला मेंशन किया था तो जो वैल्यू यहाँ पर होती है उसका क्यूब किया जाता है, जो वैल्यू यहाँ पर होती है उसका भी क्यूब किया जाता है। तो यहाँ पर ए की जगह क्या चीज़ है, एक्स स्क्वेयर, उसका क्यूब करते हैं, एक्स स्क्वेयर का होल क्यूब माइनस इसी तरह बी का क्यूब मीन के वाई स्क्वेयर का होल क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, और डिनोमिनेटर में पावर को पावर से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है ना। 2 3 6, यहाँ पर भी 2 3 6, सेम फैक्टर कैंसिल करने के बाद आंसर आ जाएगा 1। इट्स योर आंसर। आई होप कि गाइस यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।